हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला वहीं गया है जिसके लिए वो काम कर रहा है। अच्छा बताओ कि जो आदमी गांव में गया ही नहीं, कस्बों में गया ही नहीं, चिलचिलाती धूप का सामना किया ही नहीं, उसको क्या पता गांव के बारे में भाई? थेथरलॉजी के PhD है। कौन चंद्रबा वाला गया बता दीजिए, क्या एग्जिट आने दो, एग्जिट पोल धराशाई होता दिखेगा। 295 सीट का दावा कर रहे हैं आप लोग, उधर से 400 पार। हम लोग वो पाकिस्तान जाकर के, अफगानिस्तान भूटान जाकर लड़ेगी भाजपा, तय न होगा, और बिहार में चौंकाने वाला होगा, और खबरदार भी किया गया। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और सभी एजेंसियों के द्वारा जो एग्जिट पोल है वो भी सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से NDA की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव है। क्या कुछ कहेंगे जो एग्जिट पोल आया उस पर? ये एग्जिट जो पोल है ना, ये पूरी तौर पर खारिज हो जाएंगे जब एग्जिट नतीजे आएंगे। इस सट्टा बाजार, शेयर बाजार सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। अच्छा बताओ कि जो आदमी गांव में गया ही नहीं, कस्बों में गया ही नहीं, चिलचिलाती धूप का सामना किया ही नहीं, दिल्ली में बैठ करके, AC में बैठ करके पूछ करके, तुम लोग काम करते हो पोर्टल वाले लोग, डिजिटल वाले लोग, उनसे पूछता है कि कौन चंद्रबा वाला गया बता दीजिए। मेनस्ट्रीम मीडिया तो गई है गाँव में, हेलीकॉप्टर उड़ा है। वो जो हेलीकॉप्टर उड़ाया जाए गाँव में गया है नहीं पता है, वो तो वहीं गया है जिसके लिए वो काम कर रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला वहीं गया है जिसके लिए वो काम कर रहा है। वो कहाँ सुन रहा है किसी गांव की भाषा, उसको क्या पता गांव के बारे में भाई? एक एजेंसी नहीं, सारी एजेंसी में NDA की सरकार। हमने तो कह रहा है वो एजेंसियाँ है को जरा पता करिए, कितना बार उसको मुँह की खानी पड़ी है। थेथरलॉजी के PhD है। अगर इंडिया की सरकार बनती हुई दिखाई देती तो एग्जिट पोल सही था आपके फेवर में, नहीं तो एग्जिट पोल गलत। मैंने फिर भी कहा ना कि एग्जिट आने दो, एग्जिट पोल धराशाई होता दिखेगा। आप कहना चाह रहे फर्जी है ये एग्जिट पोल? सच को आज की आवश्यकता होता तो आप लोग घूमे हो, अंदाजा नहीं लग रहा है कि बिहार में कितना सीट आ सकता है। अभी से उम्मीद लगा लो। 295 सीट का दावा कर रहे हैं आप लोग, उधर से 400 पार। हम लोग वो पाकिस्तान जाकर के, अफगानिस्तान भूटान जाकर लड़ेगी भाजपा, तय न होगा। 400 पार का तो दावा है, हम तो दिखा दे रही एजेंसियां कि 400 पार वो दिखा दे। वही लोग है अडानी 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 घरानी वही सब। आप लोग का तो 150 सीट जा रहा है। हम लोग को आ रहा है 300 पार। 300 पार बिहार में कितनी सीटें आएंगी? बिहार में आएगा 25 पार, 6 से 7 सीटें। 25 पार, 25 पार, 25 पार दावे के साथ, डंके की चोट पर 25 पार। PM का चेहरा कौन? 25 पार चाहे जहां तक चल जाए। PM का चेहरा कौन होगा? चुनिए ना लेंगे, MP सब चुन के जाएगा, सब बैठेगा, नेता चुन लेगा। गठबंधन की तरफ से तो कहा जा रहा है राहुल गांधी पहली पसंद है। कहीं से कांग्रेस के लोग हैं कहेंगे किसको, कांग्रेस के नेता बड़े नेता राहुल गांधी जी, तो कांग्रेस वाला किसको कहेंगे? कांग्रेस का साथी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सब मिल बैठ करके हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। राहुल गांधी के चेहरे पे सहमत नहीं है? अरे भाई सबके चेहरे पे सहमति, सब मिलकर करेंगे, काहे चिंता कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि निष्पक्ष हो मतगणना, बैलेट पेपर की गिनती पहले हो जाए, उसके रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाए, इलेक्शन कमीशन के साइट पर चढ़ जानी चाहिए, तब EVM का शुरुआत हो और फर्स्ट राउंड EVM का समाप्त हो, चढ़ जाए तब सेकंड राउंड की शुरुआत करें। ताकि भरोसा नहीं आप लोगों आज के चुनाव आयोग के बारे में कई लोग कई तरह की बात करते हैं, पर चुनाव आयोग है। चुनाव के नतीजे आने के पहले क्या क्या चीज़ बदले जा रहे हैं देश के अंदर में देखिए, नतीजे आने के बाद क्या क्या चीज़ बदलेगा देश के अंदर में, और बिहार में चौंकाने वाला होगा, और खबरदार भी किया गया है लक्ष्मण रेखा के अंदर सबको काम करनी चाहिए कानून के दायरे में। धमकी नहीं, कानून के अंदर में काम करना होगा सब लोगों को। हार के डर से आप लोग बौखला गए, भाजपा वाले कह रहे हैं रामकृपाल यादव पे हमला करवाया। रामकृपाल जी पर तो पुलिस का बयान आ गया है कि कोई हमला नहीं, कोई फायरिंग नहीं है, झूठ का पुलिंदा है, मनगढ़ंत है। अब जवाब जाके ले लो उनसे, मतलब वो लोग बौखला गए तब तो उन्हीं का पुलिस कर रहा है ना। लेकिन बार बार राजद पे आरोप लगाया जा रहा था गुंडा राज है, सम्राट चौधरी बोले अच्छा, छोड़ेंगे नहीं। इससे बड़ा गुंडा कौन है जो बोल रहा है गुंडा? जिन उनके गुंडों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, गुंडा ही नहीं चलेगा, भ्रम में ना रहे।
कल नतीजे आने वाले 4 जून, मोदी की गारंटी भी थी कि नतीजे के बाद आपके जो नेता है तेजस्वी वो जेल जा सकते हैं। वही बात तो लोग पहले से कर रहे हैं कि कानून को, न्यायालय को, सबको चलाना चाहते हैं वो। यही ना देश में संविधान में लोकतंत्र पर खतरा है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। अरे कल चौंकाने वाला परिणाम होगा। जेडीयू वाले का ये भी आरोप है कि जो ये वैकेंसी निकली शिक्षक भर्ती की उसमें इसमें घोटाला किया जा रहा है। कौन जेडीयू वाला? तेजस्वी यादव जमीन कौन कौन जेडीयू वाला? जेडीयू के ही एमएलसी है नीरज कुमार, उनका बड़ा आरोप है। बंटू सिंह खोज रहा है? नहीं, बोल रहे हैं ना वो कि जमीन लिखवाना चाह रहे थे। बंटू सिंह खोज रहा है, इसलिए नीतीश कुमार पलटी मार। अरे बंटू सिंह 2-3 दिन के बाद आकर के खोज कर रखे, क्या बोलेंगे? वो बोल रहे थे कि सब जवाब देंगे उसका। चलिए, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।